गाइस ये है ना पपी डिलीवरी हो रहा है। ये तीन महीने की फीमेल है, टोटली जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट फीमेल। सो गाइस, तो यार आज वीडियो होने वाली है हमारी डॉग्स के ऊपर, क्योंकि यार इस वीडियो के अंदर मैं डॉग्स वगैरह दिखाने वाला हूँ। क्योंकि यार मैं गया था बठिंडा में जाकर के मैंने काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह शूट करी डॉग्स के ऊपर। काफ़ी अलग अलग ब्रीड्स आने वाली है, ठीक है, तो मैंने काफ़ी 3-4 वीडियो शूट कर चुका हूँ वहाँ की, और एक एक बच करके मैं सारी वीडियोज़ वगैरह आपको दिखाता रहूँगा। तो शुरू करते हैं। हे सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो, और उन पक्के लोल तो शुरू करते हैं पक्चोदी। तो भाई आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ जर्मन शेफर्ड पग और अमेरिकन बुल्ली पिटबुल, काफ़ी अलग अलग ब्रीड दिखने वाली हैं, ठीक है, और कैसे कैसे वो उन पपीज़ को मतलब पालते हैं, मतलब यार होम ब्रीडिंग वगैरह करते हैं वो, ठीक है, तो कैसे कैसे करते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। और है ना, इस वीडियो के अंदर मैं गया था पपी को डिलीवरी करने के लिए, तो पपी डिलीवरी करके भी आए हम, ठीक है, तो रवि भाई के साथ गए थे। तो अगर आपको ये पपीज़ वगैरह परचेज़ करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है इंस्टाग्राम का या फिर कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप वहां से जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करके बताना कौन सी ब्रीड अच्छी लगी और कौन सी ब्रीड आप खरीदने की सोच रहे हो इस वीडियो में। इसलिए आएंगे कि कोई ब्रीड खरीदनी है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करो, सिनेमेटिक शॉर्ट्स देखो, अगर अच्छे लगे तो इन्जॉय करना, ठीक है, और बाकी जो भी है आप कमेंट डाउन करो यार, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस, ये है ना पपी डिलीवरी हो रहा है, ठीक है, तो रवि भाई लेकर के आए हैं। अब हम दिल्ली में आ चुके हैं, तो दिल्ली में आकर के भैया को फर्स्ट डिलीवरी दी है। तो भैया आपको कैसे कांटेक्ट करा आपने रवि भाई को, और ये सब चीज़ें एक बार डिस्कस कर दो। देखो भाई, डिस्कस करने वाला कुछ नहीं है, क्वाइट सिंपल, ब्लॉग्स देखे थे, रवि का कॉन्टैक्ट नंबर मिला, कॉल किया, और कॉन्टैक्ट करने के बाद तीसरा दिन भैया ने आज 3 दिन पहले मुझसे कॉन्टैक्ट किया था। तो अब आ जाते हैं एक न्यू ब्रीड पे, ठीक है। तो भैया इस ब्रीड का नाम क्या है? ये पग है। पग है, अच्छा, और क्या नाम है? ये आपने होम ब्रीड के लिए रखी हुई है? होम ब्रीडिंग का बच्चा है ये, अच्छा, दोस्त है गगन शर्मा। अच्छा, आपका दोस्त है गगन शर्मा, उनका पपी है ये? हाँ। अच्छा, तो आपने ब्रीडिंग के लिए रखी हुई है? मैंने स्टार्ट के लिए यूज किया है। स्टार्ट के लिए यूज की हुई है अभी, ठीक है। और बाकी इसका क्या मतलब कलर वगैरह ये सब कौन कौन से मिल जाते हैं आपके पास? इसमें ब्राउन मिल जाएगा, ब्राउन मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा। अच्छा, और ये खाता पीता क्या है? मतलब छोटा सा है और काफी फुर्तीदार है भाई, ठीक है ना। अभी हम भाई इसको निकाल ले, ऐसे घूम रहा है, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला काम कर रहा है भाई ये। और बाकी भी खाता पीता क्या है? जैसे इतनी खुशी है, खाने को तो हम कुछ भी दे दो, सभी चीज़ें खा लेगा जी, सब चीज़ खा लेता है। अच्छा, और इसके अंदर क्या नाम है, अगर हम पहचान करें कि ये असली डॉग मतलब पग है या नहीं, कि कैसे पहचान करेंगे? जिसका फेस देखेंगे अंडरन हो जाएगा। अच्छा, और जो टेल आएगी वो रोल, टेल रोल मिलेगी। अच्छा, और आपके पास ये कितने बाद, कितने टाइम बाद इसके पपीज मिल जाएंगे आपके पास? ये 1 साल का हो चुका है। 1 साल का हो चुका है। मैंने इससे 1-2 मीटिंगें ली हैं, पपी उसके 2 मंथ के बाद आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो 2 मंथ के बाद आने शुरू हो जाएंगे। और बाकी तो भाई अगर आपको इसके पपीज परचेज करने हो, तो भी अगर कोई परचेज करता है तो कैसे करेगा वो, ये आकर बता दोगे आप? डिलीवरी हो जाएगी जी, डिलीवरी हो जाएगी ऑल इंडिया में, बाई कार होगी। अच्छा, ठीक है। और बाकी हम दूसरी ब्रीड दिखाते हैं आपको। हाँ, और कौन सी ब्रीड है? थोड़ा सा वेट करो यार, काफी बढ़िया ब्रीड दिखाने वाला हूँ। तो ब्रीड देखो अभी भाई, ये पपीज है इतने आपके हाथ में और ये नीचे भी है काफी सारे, ठीक है। तो ये पपीज कौन से हैं, कौन सी ब्रीड के हैं, और कौन से वाले डॉग हमने दिखा दिया उसका पपीज है? ये ब्रो लो पॉकेट साइज के पप्स है, 30 डेज के हुए, ठीक है। जैसे आपने बुली देखा था, उसमें पप्स है, देख सकते हो, ब्लू कलर
ब्लू कलर एलिफेंट सॉरी ग्रे कलर है ग्रे कलर ब्लू आईज में और पंच फेस रिंकल हाँ. वाले फेसेस ना अच्छा रिंकल वाले फेस है और ये कौन से वाले मिस्टर एक्स के ये लो पॉकेट साइज में लो पॉकेट साइज के अंदर अच्छा तो भाई लो पॉकेट साइज के अंदर है इसका प्राइस हम कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे हैं आपको वहाँ पे कॉल करके आप प्राइस पूछ सकते हो तो भाई काफी सारे हैं जल्दी से आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा प्राइस और ब्रीड्स का आपको जो भी डिटेल चाहिए वो आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो हाँ इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो और बाकी काफी सारी ब्रीड्स है जर्मन शेफर्ड दिखा दिया अमेरिकन बुली और अमेरिकन बुली तो भाई बुलीज 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 ठीक है और बाकी ये सामने भी बुलीज ठीक है बुली यहाँ पे वो जर्मन और वहाँ पे भी बुली और आप देख सकते हो नीचे भी बुली ठीक है तो भैया का ये ऐसा सीन है देखो आप देख सकते हो पूरा पीछे तक ठीक है वहाँ पे गाय वगैरह और इनके पास मतलब चिकन्स भी है ठीक है देखो आपको दिख गया हो तो वहाँ पर ठीक है काफ़ी सारे इनके पास 15 या 20 चिकन है जिनके हर रोज़ एग होते हैं और एग वो पपीज खाते हैं तो तुम खुद देख रहे हो कि कितनी अच्छी से ब्रीडिंग करी जाती है यहाँ पे ठीक है और बाकी पूरा ग्राउंड है और पूरा बाहर तक देख रहे हो मतलब यही होती है यार असली ब्रीडिंग यार जो करते हैं ना जो मज़ा आता है जो ब्रीडिंग वगैरह जो रिज़ल्ट निकलता है ना वो इन सब चीज़ों से होता है भाई ठीक है ना जो असली रिज़ल्ट होता है और बाकी और ये तो चुप हो जा भाई और भाई एक देखो यहाँ पर दिखेगा तुम्हें ये देखो अमेरिकन बुली ठीक है तो बुली बुली है भाई बहुत सारे पपीज हैं भैया के पास तो भैया के पास आओ तो भाई आप देख सकते हो ठीक है तो ये एक छोटा सा ट्रेलर है आपके लिए जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसके लिए तो ये छोटा सा ट्रेलर आपको दिखा देते हैं कि भाई टोटली इसके बारे में पूरा आप बताओ यार भाई मैं क्या बताऊँ आप बताओ इसके बारे में ये भाई जी का काला भाई जी की होम ब्रीड है ठीक है जर्मनी इंपोर्ट लाइन ब्रीड की टोटली जर्मनी शेफर्ड की 3 महीने की फीमेल है ये 3 महीने का ये रिजल्ट है तो आप खुद सोचो यार 1 साल के बाद क्या होगा ठीक है ना दिखा देता हूँ इसकी छोटी सी वॉक दिखा देता हूँ ना वॉक दिखा दो एक बार आप अरे अरे चलो ये 3 महीने की फीमेल है ना टोटली जर्मन इंपोर्ट ब्लड लॉन्ग कोट फीमेल तो भैया इसका प्राइस वगैरह सब कुछ हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगा प्राइस जर्मन जो मैंने आपको पहले कहा था जर्मन जो मेरे जर्मन डॉग्स हैं वो सस्ते वाले नहीं है टोटली इम्पोर्ट है जर्मनी से सब सारे जर्मन जर्मन इम्पोर्ट ना ठीक है तो अच्छी पेडिग्री लाइन के पक्ष मिलेंगे हाँ प्राइस भी थोड़ा अच्छा होगा प्राइस में भी डिस्काउंट भी कर सकता ठीक है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला था सब्सक्राइब कर लो लाइक कर लो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको जर्मन शेफर्ड के ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए और बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट आओ करो यार कमेंट के अंदर लिखो बताओ उसकी वीडियो के अंदर क्या क्या गलती थी और क्या क्या नहीं ठीक है ना तो और बाकी प्यार दे दो बहुत सारा लाइक करके तो यार काफ़ी अच्छा मैं एम सोच रहा हूँ इस वीडियो के ऊपर और बाकी आपने पपीज वगैरह देखे अगर आपको परचेज करने हैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है तो जाओ बात करो भैया से और अगर आपको परचेज करना है तो ज़रूर परचेज करो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाय।